दोस्तों आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं शादाब सिद्दीकी अपने यूट्यूब चैनल जी एक्वामैक्स में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज की जानकारी बहुत रोचक होने वाली है कि क्या स्पंज फिल्टर चोक होता है कभी, और कैसे पता चलता है कि ये चोक हो गया। तो फ्रेंड्स, वीडियो स्किप नहीं करिएगा, वीडियो को देखने के बाद वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा, और जो नए भाई लोग सब्सक्राइब कर रहे हैं, सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सब्सक्राइब कर लेंगे। हाँ फ्रेंड्स, ये देखिए है स्पंज फिल्टर, चाहे छोटा हो और चाहे बड़ा हो फ्रेंड्स, ये कब चोक होता है ये किसी को नहीं मालूम फ्रेंड्स। शायद ये किसी अन्य चैनलों पे बताया भी नहीं गया होगा फ्रेंड्स, तो हम आपको बताते हैं कि ये कब चोक होता है फ्रेंड्स। आप इसको 2 साल कंटिन्यू चलाएंगे तभी इसके ऊपर जो पाइप लगा रहता है, पाइप से एयर निकलता रहेगा, लेकिन स्पंज आपका चोक रहेगा। स्पंज चोक होने पर भी इसमें से एयर निकलती है, क्योंकि इसका सिस्टम ही ऐसा है कि एयर अंदर जाती है, अंदर नाच करके फिर पानी को खींच करके बाहर निकालती है। अगर आपका स्पंज चोक हो गया है तो ये पानी न खींच करके सीधे हवा ही फेंकने लगता है, और हम लोग को पता नहीं चल पाता, सोचते हैं हम लोग कि हमारा फिल्टर अभी चोक नहीं हुआ है। ठीक है फ्रेंड्स, चाहे वो छोटा आपका स्पंज फिल्टर हो या बड़ा हो, तो आपको करना क्या है, हमारे बताने का मतलब क्या है, हमारे बताने का मतलब यही है कि हर तीन महीने पे आप अपने स्पंज फिल्टर को साफ़ कर दिया करिए, यानी उसका स्पंज साफ करके धो के धूप में सुखा लीजिए, उसके बाद फिर से फिट करके आप लगा दिया करिए। और नहीं तो आपका एयर पंप थोड़ा आवाज़ भी करेगा जब ये चोक होगा, बुलबुला उतना ही निकलेगा फ्रेंड्स अगर ये पूरा चोक हो जाता है, क्योंकि ये इतना महीन होता है कि ये डस्ट एकदम जाम हो जाएगा, महीन महीन कण को जाम कर लेता है, चोक कर देता है, उसके बाद भी एयर उतना ही प्रेशर से निकलेगा फ्रेंड्स, और आपको नहीं पता चलेगा, लेकिन पानी का फिल्ट्रेशन नहीं होगा फ्रेंड्स। इसलिए जो भी भाई लोग स्पंज फिल्टर लगाए हैं या बहन लोग स्पंज फिल्टर लगाए हैं, हर तीन महीने पर अपने स्पंज को आपको दिखा देते हैं खोल करके। ये देखिए, इसको ऐसे करिए, ये देखिए ये निकल गया ऊपर का हिस्सा। ठीक है, इसका देखिए सिस्टम ही ऐसा है, देखिए ये आप देख पा रहे होंगे, यहाँ से एयर जाती है, इसको हमने ये स्पंज को निकाल दिया, इसको आपको धो के सुखा के फिर से फिट करना है। देखिए फ्रेंड, इसमें से हवा गई, अंदर गई, यहाँ पे नाचेगी, यहाँ पे हवा नाची और फिर बगल वाले पाइप से होते हुए निकल आती है। अगर हमारा स्पंज चोक हो गया एकदम, फिर भी हवा उतने ही प्रेशर से निकलेगी, ये बात कोई माइंड नहीं करता है, ये किसी चैनल पे नहीं बताया गया है फ्रेंड्स, आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको करना क्या है, हर तीन महीने पे अगर आप चला रहे हैं तो हर तीन महीने पे आप स्पंज अपना साफ कर दिया करिए, जिससे फिल्ट्रेशन होता रहे। लोग बेनिफिशियरी बैक्टीरिया के चक्कर में कि बेनिफिशियरी बैक्टीरिया इसमें जनरेट होगा, तो बेनिफिशियरी बैक्टीरिया तो जनरेट होना दूर फ्रेंड्स, इसमें अमोनिया लेवल बढ़ने लगेगा और पानी में अमोनिया आ जाएगी और फिशेस को फंगस और ईच होने लगेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये रहा स्पंज फिल्टर का, आपको जानकारी दिए कि स्पंज फिल्टर कब चोक होता है, ये किसी को नहीं पता होगा फ्रेंड्स। आप लगाए रहेंगे, आपको पता ही नहीं चलेगा कि ये कब चोक हुआ कब नहीं हुआ, जब तक इसको आप निकाल के बाहर, आप इसको इसका स्पंज निकाल करके इसको हाथ में नहीं लेंगे, वेट नहीं करेंगे, तब तक आपको नहीं पता चलेगा। क्योंकि जब ये चोक हो जाता है तो स्पंज भारी हो जाता है डस्ट से। ठीक है फ्रेंड्स, और अगर आप चलाते जा रहे कंटिन्यू, 1 साल 2 साल चलता जा रहा, तब पर भी ये एयर देगा पाइप में से और आपको पता नहीं चलेगा
कि इसमें ये हमारा जो है स्पंज चोक हो गया है, इसलिए चूंकि हम लोग इसको फिल्ट्रेशन के लिए भी लगाते हैं और एयर के लिए भी लगाते हैं, दोनों वर्क लेना रहता है हम लोग को, इसलिए हमको स्पंज हर तीसरे महीने पे धोना ही पड़ेगा फ्रेंड्स। अगर नहीं धोना चाह रहे हैं तब इससे बढ़िया है कि आप इतना पैसा खर्च ना करके आप एक लीची स्टोन बाउल लगा लीजिए, वो चोक ही नहीं होगा। तो फ्रेंड्स ये किसी चैनल पे भी नहीं बताया गया होगा, ये हम आपको बता रहे हैं कि ये कब चोक होता है। फ्रेंड्स अगर एक एयर पंप से आप चला रहे हैं, चाहे वो सोबो ब्रांडेड हो या एक्स वाई का हो, कोई भी हो, छोटा हो या बड़ा हो, हर 3 महीने पे उसको आपको स्पंज को साफ करना है और फिर से धूप में सुखा करके फिट करके पाइप लगा करके आपको अपने टैंक में रख देना है फ्रेंड्स। तब ये फिल्ट्रेशन भी करेगा, एयर भी देगा, नहीं तो खाली एयर देगा और आपको पता नहीं चलेगा। हमने रिसर्च मारा और रिसर्च मार के अंदाज हमने लगाया, एक अंदाज बता रहे कि लगभग 3 महीने में छोटा या बड़ा स्पंज चोक हो जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो हर 3 महीने पे आप धो लिया करिए। आपको जानकारी अच्छी लगी होगी फ्रेंड्स, हमारे वीडियो को लाइक करिएगा, नए भाई लोग सब्सक्राइब जरूर करिएगा। वीडियो को स्टॉप करते हैं फ्रेंड्स, जय हिंद और आप लोगों को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। वंदे मातरम।